नमस्कारम। ओम श्री परमात्मने नमः। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्दत्तयो वितरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस चिदानंद घन परम पद को अविनाश कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोवृत्ति निरुद्ध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् स्थितो योग धारणा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर, ओम इत्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततयो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानस् संसिद्धिं परमांगताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्त्र युग पर्यंतम महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्रांतान् देहो रात्र विदो जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद् अव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमी रात्र्यागमी प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूत ग्रामस्य एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। हे पार्थ, वही अभूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनम् यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अधिक परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब